धरावत आंगनबाड़ी केंद्र मेरे घर से 200 फीट दूरी पर है। उस आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की संख्या 40 होनी चाहिए, पर मुश्किल से 10 बच्चे और बच्चियां रहती है। कुछ दिन पहले मैं आंगनबाड़ी सेविका कौशल्या देवी से मिली और अपने बच्चों के बारे में नामांकन कराने के लिए पूछा। फिर उसने जवाब दिया कि मेरी रजिस्टर में जगह नहीं है, मैं नामांकन नहीं करूंगी। धरावत आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती दहाती अति कुपोषित बच्चों का पोषाहार जो मिलता है, किस समय मिलता है, कुछ जनता का पता नहीं चलने देती है। आपको खाना मिलता है? नहीं। पोषाहार नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? देवे नहीं करते तो हम क्या कहेंगे? आंगनबाड़ी केंद्र पोषाहार कितना मिलता है, कितने महिलाएं के? ना मिला हो अपना पहले बताते जाइए कि हम अकाउंट एक करना है यहाँ से। कुछ कमीशन आप कर रहे हैं? कमीशन किस पर है? कमीशन नहीं चाहिए। कमीशन का चाहिए? यहाँ से कमीशन लेके नहीं आ सकते। मनो बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं देखने की, सब पूछ रहे हैं। कितना मिला आपको? कितना मिला चाहिए आपको बताइए सर? धात्री की महिला है या गर्भवती? गर्भवती। धात्री के? धात्री को नहीं। आपको पोषित के? उपस्थित बच्चे के? को लेके गए हम प्रखंड मखदुमपुर में। आज ले जाने के बाद में वहाँ जीपीएस सब नहीं मिले, सुपरवाइजर मिले। मैडम मैं कहना चाहती हूँ कि जो आप लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो इसको साथ साथ कोई सुपरवाइजर का आप देखिए, वहाँ पर बैठाइए, और नहीं तो आप भी जा सकते हैं। आपकी सुपरवाइजर और सुपरवाइजर बोली कि से हम 15 तारीख को आएंगे, पोषाहार मिलना मिलेगा तो उस समय हम आपको करवा देंगे। जो महिला जो बची हुई है उसको मेरे सामने दे दीजिए। ये आपको पोषाहार कैसे मिला? तो फोटो ये खींच के ले गलो जे देखो है आप। कितना दिया? क्योंकि 2 किलो चावल और 1 किलो दाल और 100 ग्राम सोयाबीन। सोयाबीन मिलता है? हाँ, पाव भर। मैं आशा ग्राम धरावत प्रखंड मखदुमपुर जिला जहानाबाद इंडिया अनहट के लिए।